कॉन्ग्रेचुलेशन एंड जॉब डन। जी सर। तो कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है सर। तो इस प्रो लेवल का काम, रिसेट की लाइन, आज ग्राफिक की क्लास देव सर के साथ, और काम आपका 100% डन। अब इसके ऊपर कुछ है क्या सर? इसके ऊपर एंडिंग पॉइंट जो था सर, आज देव सर ने सब क्लियर करवा दिया सर। मेरे को इतना प्रो लेवल का डिटेल भी नहीं मालूम था सर कि इतना प्रो लेवल का काम, मतलब ये आईडी मतलब रिसेट की लाइन होती है, मिप्पी की लाइन होती है, इतना कोई भी डिटेल नहीं होता सर। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम अजय प्रजापति है, मैं देवास से हूँ। अजय जी कहाँ से हैं? देवास से हैं। तो चलिए आज मैं बात करूँ, आज आपका क्या क्लास था? सर मेरा ग्राफिक्स का क्लास था आज। ग्राफिक्स का क्लास था। तो अभी आपके हाथ में कौन सा फोन है? सर मेरे हाथ में नोट 4 है और मेरा ही मोबाइल है, जिसमें ग्राफिक्स का दिक्कत है सर। इधर करके दिखाइए, ऊपर करके दिखाइए, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, नोट 4 का फोन है। अभी आप इसमें क्या करने वाले हैं? सर मैं ग्राफिक्स का दिक्कत था सर, मैंने डायग्नोस किया तो इसमें रिसेट का लाइन फ्रैक्चर्ड हो रहा है सर। तो मेरे को रिसेट का लाइन प्रॉपर सप्लाई देके सर यहाँ पर पूरा मतलब ग्राफिक्स आई से ये कनेक्टर है ना, कनेक्टर तक पहुंचाना सर, वो फ्लक्चुएट हो रहा है। अच्छा, रिसेट की लाइन फ्लक्चुएट हो रही है इसमें। तो कैसे पता चला कि आपको यहाँ पे सीपी पे काम करना है? सर हमने डायग्नोस किया था सर, तो उसमें रिसेट का लाइन फ्लक्चुएट हो रहा था, तो सर ने बोला था कि इसको सीपी रिवॉल्व करो सर। सीपी रिवॉल्व करो? हाँ सर। तो यहाँ पे आप इसका सीपी रिवॉल्व करने वाले? जी सर। चलिए ठीक है, यहाँ पे नोट 4 का फोन है और जैसा कि इन्होंने बताया है कि रिसेट का लाइन फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ये फ्लक्चुएशन के लिए यहाँ पे ये ट्राई करने वाले हैं कि सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं सॉल्व होगा तो हम इनको दूसरा सीपीयू देंगे और सीपीयू चेंज करेंगे। हालांकि सीपीयू चेंज करने के बाद फ़ोन लोगों पे हो सकता है, रिस्टार्ट हो सकता है, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए ठीक है, सीपीयू आप निकाल रहे हैं? निकाल रहे हैं सीपीयू? जी सर निकाल। ठीक है, निकालिए, रिवॉल्व करिए। Are you? Would you be waiting there too?
गाइस आप ये जैसा देख सकते हैं थोड़ा सा इधर देखिए अजय अजय जी सर भाई इस टाइम क्या कर रहे हो यहाँ क्लास सर सीपीयू रिवॉल्व कर रहा हूँ सर सीपीयू रिवॉल्व कर रहे हो अच्छा ये बताओ मेरे को इसके पहले आप सीपीयू रिवॉल्व किया था क्या नहीं इसके सर, पहले किया सर। इसके पहले घर पे नहीं किया और अभी आपने चौथे दिन क्या करा यहाँ पर सीपीयू रिवॉल्व कर रहा हूँ सर सीपीयू चौथे दिन क्या किया था आपने सीपीयू करा था और तीसरे दिन क्या किया था आपने सर पावर पे काम किया था पावर लाइव चालू मोबाइल से आपने पावर निकाला था जी सर तो एशिया टेलीकॉम अगर मेरे जो नए स्टूडेंट आते तो मैं उनको बोलता हूँ कि सर आप यहाँ से चौथे दिन तीसरे दिन पावर निकाल के लगाएंगे तीसरे दिन चौथे दिन सीपीयू निकाल के लगाएंगे तो एक सीपीयू को कितनी बार लगाया आपने सर एक सीपीयू को मिनिमम तीन से चार बार लगाया और ये जो आप सेट कर रहे हो ये तो ये वाला काम आपने कितनी बार किया सर ये तो ये वाला काम तो सर आप ये ग्राफिक्स वाला तो आज ग्राफिक की क्लास हुई थी सर तो रिसेट की लाइन फ्रैक्चर्ड हो रही थी सर ने कंडीशन बताई कंडीशन हमने सप्लाई ट्रेस किया हाँ। ट्रेस करने वाला रिसेट की लाइन फ्रैक्चर्ड हो रही थी सर फिर सीपीयू का दिक्कत आया तो सीपीयू रिवॉल्व कर रहे सर अजय स्टूडेंट यहाँ पर आता है मैं स्टूडेंट बोलता बोले सर डेमो क्लास पहली बात तो हम 2013 से पढ़ा रहे हैं नया इंस्टीट्यूट है नहीं हमको जज करने की ज़रूरत नहीं है है ना पहली बात तो ये और दूसरी बात ये कि आपको यहाँ पर जब क्लास में पहले दिन आए थे आप 26 तारीख को आए थे और पहले दिन सर के साथ 27 तारीख को देव सर के साथ आपकी काउंसलिंग क्लास थी तो आपको स्पष्ट बोला गया था कि अगर चौथे दिन आपसे सीपीयू नहीं लगे और चौथे दिन आपको क्लास समझ में नहीं आए तो आप वापस जा सकते हो सर ये खुला चैलेंज था जी सर खुला चैलेंज था बाकी सर जो यहाँ सीखने का मिला है सर अभी तक हाँ शायद ही कभी पूरे इंडिया में घूमेंगे तो भी नहीं मिल पाएगा सर नहीं मिल पाएगा जी सर बिल्कुल डेडिकेशन है यहाँ सर बिल्कुल है और सबसे बड़े जो यहाँ के जो टीचर है देव सर तो देव सर आनर भी हैं और टीचर भी जी सर बिल्कुल तो उनका तो सर जितना मतलब अभी तो पूरे इंडिया लेवल से सर देखा जाए ना मेरे लेवल में सर मैंने अभी इतने इंस्टीट्यूट देखे रिव्यू भी देखे बाकी इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट इंडिया का सबसे बेस्ट ऐसा टेलीकॉम जबलपुर में है सर जबलपुर में जी सर इस चीज़ को मानते हैं आप और अगर कोई बाहर से आना चाहे तो क्या बोलेंगे आप सर आना चाहे तो बेझिझक नोट कोई ऐसा बच्चा आज आपका ग्राफिक सेक्शन था कोई ऐसा बच्चा जिसने डीएसओ का इस्तेमाल नहीं करा हो सर सारे ने किया डीएसओ का इस्तेमाल डीएसओ को भली भांति जाने लगे कि डीएसओ को पहले तो पता भी नहीं था कि डीएसओ क्या होता है कैसे यूज करते हैं इसका क्या यूज होता है कोई इतना मतलब डिटेल में जानकारी नहीं था सर तो चलो देखो अब आप प्रो लेवल पे काम कर रहे हो सीपीयू उठा रहे हो ऑफिस ग्राफिक्स को बना रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि ग्राफिक्स की क्लास हो गई यहाँ आया थ्योरी समझा दी और घर पहुँचा दिया नहीं ऐसा कुछ नहीं सर पहले थ्योरी पढ़ना होता है सर उसके बाद थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल लेब है सर प्रैक्टिकल फिर हर एक बंदे को मतलब डिटेल वाइज पूछ के करवाते हैं जिसका नहीं होता उससे पूछ के और मतलब पूरा एक डाउट क्लियर करवाते सर उसका चलिए ठीक है तो ठीक है चलिए आप कैरी ऑन रहिए थोड़ी सी मेरी बैटरी कम है ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो शब्बा खैर और आप कंटिन्यू बनाते रहिए ओके सर Are you? Would you be waiting there too?
जैसा कि मैंने बोला था, मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है इसलिए मैं चला गया था, और अभी बैटरी फुली चार्ज है। तो देखते हैं, ये स्टूडेंट आप क्या कर रहे थे, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। सर इसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहा था, ग्राफिक्स ब्लू आ रहा था, रीसेट की लाइन फ्रैक्चर्ड हो रहा था सर, प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पा रहा था सर। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया था इसके अंदर? सर सीपीयू रिवॉल्व करा सर मैंने, सीपीयू रिवॉल्व करा। जी सर। तो सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद अभी आप चालू करके बताएंगे? जी सर बिल्कुल। ठीक है, बताइए चालू करके। कांग्रेचुलेशन एंड जॉब डन। जी सर। तो कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है सर। तो इस प्रो लेवल का काम, रिसेट की लाइन, आज ग्राफिक की क्लास, देव सर के साथ, और काम आपका 100% डन। अब इसके ऊपर कुछ है क्या सर? इसके ऊपर एंडिंग पॉइंट जो था सर, आज देव सर ने सब क्लियर करवा दिया सर। मेरे को इतना प्रो लेवल का डिटेल भी नहीं मालूम था सर कि इतना प्रो लेवल का काम, मतलब
ये आईडी वाईडी मतलब रिसेट की लाइन होती है, मिप्पी की लाइन होती है, इतना कोई भी डिटेल नहीं होता सर। तो चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंड गुड नाइट। ओके सर थैंक यू गुड नाइट। सर मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सिको निकलना हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।